ये देखिए मछली, ये रहा मछली करी। रो बाबा, ये मछली करी, ये मछली भजा। ठीक है, ये गेलू, गेलू खा रहा है भात। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 7:30 और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए थोड़ा काम करते हैं। हमारा जो मुर्गी फार्म था, वो मुर्गी फार्म के साइड में पानी घुस जा रहा है, जोर से बारिश की वजह से अंदर पानी जा रहा है, तो उसे थोड़ा मिट्टी विट्टी दे के बंद करेंगे। चलिए थोड़ा काम करते हैं, उस साइड में थोड़ा नाला बनाएंगे और देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ से मैं नाला बना रहा हूँ, यहाँ से पानी यहाँ से निकलेगा, इसके अंदर से घुस जा रहा है पानी अंदर। देखिए एकदम अंदर कीचड़ कीचड़ हो गया है। माटी काट रहा हूँ ना, ज्योति हंस रहा है देख के। एकदम मैंने नाला बनाया दिया तो पानी और अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि इस साइड में देखिए ये थोड़ा मैंने पिंडा जैसा बना दिया, इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा। और बस ये हो चुका है बस। गेलू बोल रहा है कि वो शक्तिमान है। फिलहाल काम तो खत्म कर चुका हूँ, बस अभी टाइम हो रहा है 10:30 के ऊपर। थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ और कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लाने के लिए। चलिए अब चलता है। चलिए अब निकलते हैं मार्केट। गेलू बोल रहा है मेरे साथ जाएगा मार्केट, चलिए गेलू को भी ले जाते हैं, क्योंकि वो आंगनबाड़ी जाने वाला था, लेकिन आंगनबाड़ी दीदी 3-4 दिन से नहीं आ रहा है, सिर्फ जा रहे हैं आंगनबाड़ी और मजा मस्ती करते हैं आते हैं, इसलिए आंगनबाड़ी आज ये नहीं जाएगा। बस ये मेरे साथ थोड़ा मार्केट जा रहा है, मार्केट से और आने के बाद देखते हैं। गल्लू का तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, उसका थोड़ा कान में दर्द हो रहा है ठंड की वजह से, चलते हैं। और हम जो मार्केट जा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, बस छोटा सा बनाएंगे, बस जाएंगे मार्केट, अभी निकल रहे हैं, बस फिर आ जाएंगे घर, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए अब निकलते हैं। फिलहाल मैं मार्केट से आ चुका हूँ, थोड़ा बहुत सामान लाया, आलू प्याज लाया और थोड़ा ग्रोसरी का सामान लाया, बस और कुछ नहीं है। सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो चलिए अब थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं और करते हैं लंच। खाने के बाद थोड़ा टेबलेट वगैरह लेके थोड़ा रेस्ट करते हैं। लंच में खाएंगे मछली करी और राइस। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मछली करी बनिए और राइस बनिए, खाएंगे। ये देखिए मछली, ये रहा मछली करी। रहो बाबा, ये मछली करी, ये मछली भजा। देखिए ये गेलू, गेलू खा रहा है भात। अभी शाम को 5 बज रहा है, बस वो मुर्गियों के पीछे भागे हैं। हमारा जो मुर्गी है वो सारे इस बांस का पेड़ के अंदर घुस गए हैं और
मम्मी ने तो बुला के भगाया था उनको, बस वो सारे इसके अंदर मैं आया हूँ। हाय ये देखिए सारे मुर्गी इसके अंदर, ये देखिए हाय सारे मुर्गी इसके अंदर छुप गए हैं। और हाय चलिए अब चलते हैं थोड़ा उस पर, गोलनी गोलनी बस इसके अंदर सारे घुस चुके थे, मैं अभी अभी उनको भगा दिया, बस उस साइड में वो जा रहे चले गए। बस मैं तो जा रहा हूँ इस साइड से, क्योंकि फिर से घूम के इधर आ जाएंगे, इसलिए मैं इस साइड से जा रहा हूँ। ये देखिए हमारा तालाब का साइड, इस साइड से मैं जा रहा हूँ। मम्मी तो भगा रहा है एकदम, वो तो एकदम टेंशन हो गई है, क्योंकि वो जो मुर्गी सारे मुर्गी इधर उधर भाग रहे हैं। ये रहे सारे मुर्गी। अबे गुड़ा तो ये देखिए सारे भाग रहे हैं। बापा गुड़ा बे, बापा गुड़ा बे, गुड़ा गुड़ा गोले। ये देखिए सारे भाग रहे हैं। ये जो हमारा घर टूट गया था बारिश में, इसका अंदर पानी घुस गया था। ये देखिए हमारा घर का अंदर मशरूम आया है, ये देखिए ये मशरूम, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा मशरूम, हमारा घर का अंदर मशरूम का अंदर से मैंने मशरूम लाया है। देखिए कितना बड़ा बड़ा मशरूम, ये देखिए कितना बड़ा। फिलहाल हो रहा है शाम को 5:30, बस अभी चलते हैं गाड़ी साफ करने के लिए, गाड़ी धोएंगे, कल विश्वकर्मा पूजा इसलिए हम गेलुअर में जा रहे हैं स्कूटी साफ करने के लिए, एकदम वो मंदिर के पास लेके जाएंगे, वहाँ पे एकदम पानी पानी डाल के एकदम साफ करके लाएंगे। चलिए चलते हैं अभी। Thank you.
फिलहाल मैं गाड़ी तो साफ कर लिया और अभी तो शाम को 6:30 के ऊपर हो चुका है। बस मैं थोड़ा फिर दोबारा मैंने नहा लिया क्योंकि एकदम कीचड़ मीचड़ हो गया था, एकदम भीग गया था मैंने गाड़ी धोने का टाइम, तो थोड़ा नहा लिया। लग रहा है गेलू कहाँ जाएगा, इसलिए नया नया पैंट नया शर्ट पहन रहा है। गेलू तो कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, हाथ टूब जाएगा। गेलू बोल रहा है कि हाथ टूब जाएगा। फिलहाल अभी रात को 9 बज रहा है, बस एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।